हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएएस में। इस मैगजीन का थर्ड पार्ट हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इसमें हम आर्थिक परिदृश्य जो है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, आर्थिक परिदृश्य के अंदर सबसे पहला है कि वर्ष 2018-19 के बागवानी फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के तीसरे उन्नत अनुमान जारी। ये खबर किसी काम की नहीं है, इसलिए आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका ने चीन को मुद्रा में छेड़छाड़ करने वाला देश जो है वो घोषित किया है। तो मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो है बता देती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि चाइना की जो करेंसी है यानी मुद्रा है उसको कहते हैं युआन, ठीक है। और अमेरिका ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी मुद्रा का जो है अवमूल्यन करता है। अवमूल्यन का अर्थ होता है उसका डिवेल्यूएशन कर देता है, यानी उसको कम कर देता है, इसीलिए उसको जो है करेंसी मैन्युपुलेटर कंट्री जो है वो कहा जाता है। ये ऐसा इसीलिए करता है कि जैसे ही इसकी जो मनी होगी यानी इसकी जो मुद्रा होगी उसकी जो रेट होगी वो कम हो जाएगी डॉलर के मुकाबले, तो इसका जो निर्यात है वो बढ़ जाएगा। निर्यात बढ़ने से जो है इसकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इसी कारण से जो है ट्रेड वॉर के एक चीज़ भी आपने सुनी होगी। ट्रेड वॉर क्या है कि किस भारत और चीन और अमेरिका के बीच में जो है ट्रेड वॉर की स्थिति आ गई है। ट्रेड वॉर का अर्थ यह है कि अमेरिका जो है वो चाइना के सामानों के ऊपर जो है आयात कर जो होता है उसको बढ़ा देता है। उसके बढ़ाने से ये होता है कि चीन के सामान का आयात कम हो जाता है। तो इससे डायरेक्टली तो कोई युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन जो व्यापार है उसके क्षेत्र में एक युद्ध की स्थिति बन जाती है, ठीक है। क्योंकि चीन, आप जानते हैं कि चीन का जो ट्रेड है वो हर देश के साथ में लगभग सरप्लस में है। अमेरिका हो चाहे भारत हो, हमारे साथ में तो बहुत ज़्यादा सरप्लस में है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि चाइना का माल सस्ता होता है। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है अमेरिका ने जो है संरक्षणवादी नीति अपनाते हुए जो है अपने आयात करों को बढ़ा दिया था। उसी को हम ट्रेड वॉर जो है कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी ये आर्टिकल इतना काम का है नहीं। जीडीपी वृद्धि दर में पश्चिम बंगाल जो है शीर्ष पर। तो देखिए, जीडीपी क्या होती है, एक साल में जो है एक राज्य जो है जितने भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है उसको उस राज्य की जीडीपी कहा जाता है। तो उसके अंदर जो है आपका लगभग 12% के साथ में जो आपका पश्चिम बंगाल है वो पहले स्थान पर है। तो ये हालांकि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ध्यान रखने के हिसाब से। तीसरी चीज़ देखिए, आरबीआई ने केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ देने की सिफारिश को जो है मंजूर कर लिया है। देखिए, आरबीआई जो है वो केंद्र सरकार को बिमल जालन समिति जो है उसके बिमल जालन जो समिति है, बिमल जालन जो थे आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर रहे हैं, उन्होंने जो है एक उनकी समिति की एक सिफारिश थी कि सरकार को जो है इस प्रकार के जो है सरप्लस जो पैसा है उसको हस्तांतरित करना चाहिए। ये उनकी सिफारिश थी, जो उसको जो है इन्होंने जो है मान लिया है देने के लिए। तो ये एक छोटी सी खबर है, इसको आप ध्यान में रखें। तीसरा देखिए, मंत्रिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई की नीति की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब देखिए, ये हालांकि इतना काम का नहीं है, लेकिन आपको बता देती हूँ कि एफडीआई क्या होता है। एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। देखिए, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए, एफडीआई का क्या अर्थ होता है, हम जब एफडीआई के नियमों में ढील देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे देश में विदेशी जो निवेश है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाता है। हमारी कंपनियों के अंदर फॉरेन की कंपनियाँ अपना पैसा लगाती हैं। वो पैसा लगाने से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जैसे ही निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, चीज़ें सस्ती होती है, लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, कंज्यूमर जो है वो इसका जो है खपत जो है कंजम्पशन जो है वो बढ़ता है। उसको बढ़ने से जो है सरकार के पास में टैक्स जाता है, तो उससे रेवेन्यू भी बढ़ता है। तो ये एक पूरी साइकिल है, अर्थशास्त्र की पूरी एक साइकिल होती है, ठीक है। तो एफडीआई के नियमों में जैसे ही ढील दी जाती है तो उससे क्या होता है, निवेश जो है हमारे यहाँ पर आमंत्रित होता है, निवेश जो है कई देशों से आता है। एफपीआई क्या होता है, इसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे देश के शेयर्स में और स्टॉक्स के अंदर जो है, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स, बॉन्ड्स, इनके अंदर जो है पैसा लगाती है, ठीक है। और एफडीआई में क्या होता है कि जो विदेशी कंपनी है पैसा तो लगाती है किसी कंपनी में, साथ ही उसके मैनेजमेंट में भी जो है इसका हिस्सेदारी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए, अगर यहाँ के एडिडास कंपनी में किसी कंपनी ने पैसा लगाया तो उसके अंदर जो कुछ शेयर्स हैं वो भी उस कंपनी के हो जाते हैं, जिससे कि उसमें मैनेजमेंट का जो कार्य है वो भी उस कंपनी के हिस्से आता है। लेकिन एफपीआई में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए एफपीआई को जो है हॉट मनी भी कहा जाता है कि कभी भी जो है ये निवेशक जो है निवेश अपने देश से जो है हटा सकते हैं। तो ये एफडीआई और एफपीआई के अंदर अंतर है। 2013 का जो अगर मेंस का पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है इसके बीच में अंतर जो है आपसे पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई घोषणाएं की। अभी आप जानते हैं कि एक मंदी का सा दौर जो है हमें देखने को मिल रहा है, उसके तहत जो है कॉरपोरेट टैक्स जो है उसको खत्म किया गया है, कम किया गया है, सॉरी खत्म नहीं किया गया है,
कम किया गया है। उसके अलावा भी कई सारे जो है वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जो है उन्होंने जो है कई कदम उठाए हैं जिनके हम पढ़ लेते हैं। ज़्यादा आपके काम के नहीं है, जो काम का होगा वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि देखिए FPI पर सरचार्ज वापस लिया गया। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज देखिए टैक्स पे जो टैक्स लगता है उसको सरचार्ज कहते हैं। ये किसी पर्टिकुलर चीज़ पे जो है लगाया जा सकता है। एक होता है सरचार्ज, एक होता है आपका सेस। सेस के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि स्वच्छ भारत सेस। सेस क्या होता है कि ये जो है हम जैसे मान लीजिए होटल में खाना खाना जा रहे हैं तो हमारे ऊपर 0.1% का स्वच्छ भारत सेस जो है वो लग जाता है। इससे क्या होगा कि सरकार जो है ये फंड लोगों से ही लेती है जिससे कि वो स्वच्छता के क्षेत्र में उसको खर्च कर सके। तो ये होता है सेस और सरचार्ज में अंतर। तो FPI में जो सरचार्ज है उसको वापस लिया जा रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, स्टार्टअप से एंजल टैक्स को हटाया जाएगा। पहली चीज़ तो आप ये समझिए स्टार्टअप्स क्या होते हैं। स्टार्टअप्स का वैसे तो ये बहुत कॉमन हो चुका है, सभी को पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। स्टार्टअप्स का जो अर्थ होता है वो होता है कि आपके पास में कोई आइडिया है, उस आइडिया को लेकर के आप अपना बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टार्टअप। अब देखिए कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिसके आइडिया अगर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो वो लोगों से निवेश मांगते हैं कि भाई आप इस आइडिया में इन्वेस्ट कीजिए, काम करना मेरा है लेकिन पैसे आप लगाइए इसमें। तो अगर कोई व्यक्ति बाहर का कोई व्यक्ति है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी चीज़ में तो उसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। और इसीलिए जो भारत सरकार है उसको उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई व्यक्ति है अपना ब्लैक मनी है उसको अगर इस प्रकार के जो स्टार्टअप है उसके अंदर अगर लगा देता है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई उसने जो है उसका मनी कहाँ गया। तो इसीलिए जो है उन्होंने एंजल टैक्स लगाना शुरू किया। एंजल टैक्स क्या होता है कि अगर जो कंपनी है स्टार्टअप है वो छोटा सा ही है, मान लीजिए कि 1 लाख रुपये का स्टार्टअप है और उसके अंदर कोई इन्वेस्टर 20 करोड़ रुपये लगा रहा है, ठीक है, तो शक की निगाहों में आ जाता है वो। तो ऐसे जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ऊपर जो है एंजल टैक्स लगाया जाता है जिसकी दर जो है वो 30% थी, ठीक है। तो ये टैक्स लगाया जाता है जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग और इस प्रकार की चीज़ों को जो है वो रोका जा सके। तो इसको जो है अभी स्टार्टअप से एंजल टैक्स को जो है हमारी सरकार ने जो है हटाया है जिससे कि क्या रोज़गार के जो अवसर है वो और बढ़ सके और देश में जो है निवेश का पैसा जो है वो आ सके। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, FATF के एशिया प्रशांत समूह ने पाकिस्तान को विस्तृत काली सूची में डाला। देखिए ये जो है मैं आपको डेली क्विज में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊँगी इसमें कि ब्लैक लिस्ट होने का मतलब ये होता है अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, ये तो भी एशिया प्रशांत सागर के जो ब्रांच थी FATF की उसी ने इसको ब्लैक लिस्ट किया है। FATF ने अभी ब्लैक लिस्ट नहीं किया है। तो अगर FATF ने इसको अक्टूबर तक की मोहलत दे रखी है पाकिस्तान को, उसके बाद में अगर ये रिपोर्ट पेश नहीं कर पाया तो इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट होने से ये होगा कि पाकिस्तान को कोई और देश जो है ऋण नहीं देगा कभी भी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इसको पैसा मिलना जो है एकदम बंद हो जाएगा। अब देखिए FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, RBI ने लगातार चौथी बार रेपो दर घटाई। देखिए रेपो रेट दर होती क्या है, पहली चीज़ तो रेपो दर वह दर होती है जिससे कि जो आपके कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है आपके RBI से लोन ले सकें, यह वह दर होती है। और इस दर का इस्तेमाल RBI जो है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है इस्तेमाल में लेती है, ठीक है। जब कभी भी अगर महंगाई को कंट्रोल करना होता है तो मुद्रास्फीति को जब कंट्रोल करना होता है तो इन दरों को जो है अमूमन बढ़ा दिया जाता है जिससे कि मनी कंट्रोल हो सके, मार्केट में जो लिक्विडेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, लिक्विडिटी जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये होता है रेपो दर का मतलब। अब जो RBI है उसने जो है चौथी बार जो है रेपो दर को जो है वो घटाया है। ये आपके किसी काम का नहीं है वैसे तो, बस रेपो दर क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये रेपो दर घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट आप देखिए, भारत GDP की विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर। ये भी हालांकि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है नहीं क्योंकि आप एक आर्थिक कोई विश्लेषक नहीं बनना आपको इसमें। सरकार ने गैर यूरिया खाद की सब्सिडी में वृद्धि की, ये खबर भी आपके लिए किसी भी काम की नहीं है। अब देखिए, भारतीय स्टेट बैंक चीन की मुद्रा में कारोबार करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है। SBI जो है वो चीन की मुद्रा में कारोबार करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है, इसका आप ध्यान रखें। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जो है वो पता होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक ने PNB तथा बैंक ऑफ बड़ौदा पर जुर्माना लगाया। ये इस प्रकार की न्यूज़ कभी नहीं आती हैं, ये काम का नहीं है आपके। आवास वित्त कंपनी है, ये भी किसी काम के नहीं। नेक्स्ट आप देखिए,
देखिए नेक्स्ट है आपके लिए कि ई कॉमर्स के लिए जो है, ई कॉमर्स जो कंपनियां उनके लिए दिशा निर्देश जो है, गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है सरकार के द्वारा। ई कॉमर्स क्या होता है? देखिए आप जितने भी फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन से जो सामान खरीदते हैं, ये सब क्या है, ई कॉमर्स के, ई कॉमर्स में आता है। तो इनके ऊपर भी एक गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। गाइडलाइन कहती है कि आप देखते हैं कि इसमें भ्रामक प्रचार भी कई होते हैं, जैसे कि एक तो कई मेगा सेल लगा लेते हैं ये लोग, उसके अलावा जो है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नीचे अपनी रेटिंग्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, अपनी तरफ से कमेंट्स भी इसके अंदर दिए जाते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स दिए जाते हैं, जिसको देख करके हम जो है इस सामान को खरीद लेते हैं। तो उसको जो है भ्रामक प्रचारों और इन सबसे जो है इनकी जवाबदेहिता निश्चित करने के लिए जो है इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जो है वो लाए गए हैं। तो उसके बारे में हालांकि इसमें विस्तृत रूप से नहीं दे रखा है, उसको हम अलग से एक वीडियो के अंदर जो है विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस जो है इसके अंदर है, क्योंकि हमें पेपर सेकंड जो है हमारा उसके अंदर आरएस के अंदर वहां पर हमको जो है ई कॉमर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए काम का है। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 संसद में पारित। अब ये क्या है, अब देखिए इसमें होगा क्या कि जो भी भ्रामक प्रचार होंगे, जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए जो है आप कोई भी पैकेट अगर किसी सामान का, खाद्य सामग्री का उठा के देखेंगे तो उसका एडवर्टाइजमेंट तो अलग तरीके से होता है, उसको विशुद्ध, स्वदेशी और पता नहीं आयुर्वेदिक क्या क्या बताया जाता है, लेकिन जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, अगर आप उसको कभी भी पलट के देखेंगे तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उनको आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। ट्रांस फैट्स तो आजकल हर प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होते हैं, तो एक तरीके से क्या है कि ठगने वाली जो है विद्या है कि भाई लोगों को जो है एडवर्टाइजमेंट में दिखा करके चीज़ें बेची जाती है। तो आप देखिए कि इसको, इससे निपटने के लिए जो है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है, उसको 2019 में संसद में पारित कर दिया गया है। अब अगर इस प्रकार से कोई भ्रामक प्रचार करता है तो उसके ऊपर 1,00,000 तक का जो है जुर्माना जो है वो लगाया जा सकेगा। एक दूसरा प्रावधान ये है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसकी जो है स्थापना भी इसके अंदर की जाएगी। तो गलतफहमी और झूठे विज्ञापन देने वालों को 1,00,000 तक का जुर्माना और 2 साल तक का कठोर कारावास जो है उसकी सज़ा जो है वो दी जाएगी। उसके बाद में देखिए, ये राउंड अप के बारे में है, ये हमारे किसी काम का नहीं। अब हम प्रादेशिक परिदृश्य के ऊपर चलते हैं। प्रादेशिक का अर्थ ये है कि अब हम राजस्थान से रिलेटेड जो खबरें हैं वो इसके अंदर जो है बताई जाएंगी। देखिए जो खबर काम की नहीं है उसको मैं क्रॉस कर रही हूँ। देखिए राजस्थान में जो है ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग जो है उससे संबंधित 2 विधेयक जो है पारित किए गए हैं। ऑनर किलिंग आप जानते ही हैं कि अपनी मनमर्जी से जो विवाह करते हैं और वो लोग उनको इज्जत के खातिर उनके पेरेंट्स या उनके गांव के लोग जो है वो मार डालते हैं, इसके ऊपर कई पिक्चरें भी आती है इसलिए आपको पता होगा, तो उसको ऑनर किलिंग कहते हैं, यानी कि सम्मान के लिए जो है हत्या कर देना। और मॉब लिंचिंग का अर्थ आप होता है, मॉब का अर्थ होता है भीड़ के द्वारा जो है किसी व्यक्ति की जो है पीट कर हत्या कर देना, उसको हम कहते हैं मॉब लिंचिंग। तो देखिए ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग के ऊपर जो है सरकार ने विधेयक पारित किए हैं जिससे कि कानून बनेगा, इस प्रकार के लोगों पर कार्रवाई होगी। तो देखिए ऑनर किलिंग के ऊपर जो ये बिल पारित करने वाला, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने ऑनर किलिंग के ऊपर जो है इस प्रकार का जो है विधेयक पारित किया है। तो इसके लिए भी जो है आपको ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो है इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है इसके बारे में इतना विस्तार से नहीं दे रखा है ऑनर किलिंग बिल के बारे में। अब देखिए जो मॉब लिंचिंग वाला बिल है उसके बारे में देखिए, आपने यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, राजस्थान इस कानून को पारित करने वाला मणिपुर के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। इस बिल के तहत यदि 2 व्यक्ति भी मिलकर किसी को पीटते हैं तो उसे भी मॉब लिंचिंग माना जाएगा। मॉब लिंचिंग में मृत्यु अगर हो जाती है किसी व्यक्ति को तो उसके लिए आजीवन कारावास तथा 1,00,000 से 5,00,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पीड़ित के घायल होने की दशा में 7 साल का कारावास और 1,00,000 तक का जुर्माना है। इस प्रकार पीड़ित के गंभीर रूप से घायल होने की दिशा में 10 वर्ष तक की जेल तथा 50 से 3,00,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए, इस कानून की धारा 27 के तहत राज्य सरकार को विस्तृत नियम बनाने की शक्ति भी दी गई है। इसके बाद में 15वीं विधानसभा के द्वितीय सर में 21 बैठक हैं, ये आपके किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए, ये उदयपुर हाउस वाला भी काम का नहीं है। लास्ट जो है ये है निःशुल्क दवा योजना में राजस्थान शीर्ष पर। आप जानते हैं 2 अक्टूबर 2011 को जो है निःशुल्क दवा योजना जो है उसकी शुरुआत की गई थी। इसमें जो है इस योजना के तहत जो है प्रतिदिन 2 से 2.5 लाख रोगियों को निःशुल्क दवा जो है उसका लाभ दिया जाता था। ठीक है, तो इसके अंदर भी राजस्थान जो है इस योजना में जो है शीर्ष स्थान पर जो है। अब नेक्स्ट आप देखिए, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में है, ये भी हमारे काम का नहीं।
देखिए नेक्स्ट न्यूज़ जो आपके काम की है वो है, देखिए अगर किसी परीक्षाओं में साहित्य सम्मान के बारे में पूछा जाता है तो उसके लिए ये न्यूज़ काम की है, लेकिन हमारे आरएएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ काम की नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए सुंदर सिंह गुर्जर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, देश का सबसे उच्चस्तर पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसके बाद में जो है अर्जुन पुरस्कार आते हैं। तो हमारे राजस्थान के करौली जिले के जो खिलाड़ी हैं सुंदर सिंह गुर्जर, उनको जो है ये सम्मान जो है खेल दिवस के ऊपर, खेल दिवस कब आता है 29 अगस्त को, उस पर जो है ये अवार्ड जो है ये दिया जा चुका है। तो आप देखिए सुंदर सिंह गुर्जर जो है एक जेवलियन थ्रोअर है, भाला फेंकने वाली जो प्रतियोगिता है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, और पैरा विश्व चैंपियनशिप के जेवलियन थ्रो में स्वर्ण पदक इन्होंने 2017 में जीता था। उसके अलावा 2018 में इन्होंने पैरा एशियन गेम्स में भी एक रजत पदक जो है और कांस्य पदक जो है ये जीत चुके हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए राजस्थानी फिल्म टर्टल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राजस्थान की जो ये फिल्म है आप जानते हैं 66th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है उसकी भी घोषणा हुई है और ये दिए जा चुके हैं। इसके अंदर राजस्थानी जो कैटेगरी की फिल्म है उसमें एक फिल्म है टर्टल, उसको जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, और पानी की समस्या पर जो है ये बनी गई एक फिल्म है, तो ये आप ध्यान में रखें, ये मैंने आपको हालांकि डेली क्विज में भी जो है बताया है। नेक्स्ट आप देखिए मछली पर बनी फिल्म को बेस्ट एनवायरनमेंट अवार्ड, मछली क्या है जो है टाइगर है उसका नाम था मछली, ये हमारे रणथंभौर का टाइगर है, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी द वर्ल्ड मोस्ट फेमस टाइगर, ठीक है, तो इसके जो है इसमें ये अवार्ड दिया गया है। देखिए नेक्स्ट जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है वो है रेस, ये रेस क्या है, रेस का फुल फॉर्म है रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विथ एक्सीलेंस, राज्य सरकार ने उच्चतर शिक्षा मॉडल RACE जो है उसको लॉन्च किया है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जितने भी सरकारी, देखिए राजस्थान सरकार के जिला स्तर पर सरकारी महाविद्यालयों के मध्य संसाधनों की उपलब्धता को तर्कसंगत बनाने के लिए जो है ये एक उच्चतर शिक्षा का एक मॉडल है, ठीक है, इसको कहा गया है रेस। इससे क्या होगा कि ज़रूरतमंद जो कॉलेज होंगे वो अपने ज़िले के नोडल कॉलेज को अपनी आवश्यकता के बारे में सूचित करेंगे, इसके बाद जो नोडल कॉलेज होगा उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजेगा, साथ ही आवेदन करने वाले कॉलेज को प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइब्रेरी, उपकरण तथा तकनीशियन जैसी सुविधाएं भी जो है वो प्रदान करेगा, तो ये इसका अर्थ है, ठीक है, तो इसके बारे में जो है आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आप देखिए ये आपके काम के नहीं, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, देखिए हमारे यहाँ पर जो है भामाशाह योजना पहले से थी और उसका और भारत के अंदर जो है स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना, हमारे राजस्थान में जो है अब इस योजना का नाम ही परिवर्तित करके नाम रखा गया है महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसको 1 सितंबर 2019 से पूरे राज्य में लागू करने का जो है निर्णय लिया गया है, तो इस योजना को भी जो है आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट आप देखिए देखिए ये नेक्स्ट जो है आपका पुरस्कार और सम्मान से संबंधित है, क्योंकि ये जो है मैं आपको बहुत अच्छे से पहले ही अपने डेली क्विज में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ कि जितने भी आपके नेशनल अवार्ड है, अर्जुन पुरस्कार है, पद्मश्री है, वो सारे जितने भी अवार्ड्स मिले हैं उनको हम डेली क्विज में डिस्कस कर चुके हैं, तो डेली क्विज को जो है आप निरंतर देखिए और उनमें से जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ क्योंकि सिर्फ नाम ही पढ़ने हैं, नाम ही दोहराने हैं, इसलिए हम इसमें समय खराब नहीं करेंगे, इसलिए हम जो है इसको एज इट इज़ ऐसा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है, आपके अर्जुन पुरस्कार है और खेल खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न है, सभी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसलिए इसको जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा जो खेल परिदृश्य है उसके अंदर भी जो है जितने भी खेल हैं वो करंट अफेयर्स से संबंधित हैं, क्योंकि इसलिए जो है हम इनको भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये खेल जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए नियुक्तियों में देख लेते हैं अगर कुछ काम का होता है तो, देखिए नियुक्तियों के अंदर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो आपकी चंद्रिका शाह जी बनी है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी नियुक्ति देखिए राजीव गौबा जी की है, ये भी मैं डेली क्विज में वैसे बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, ये हमारे नए कैबिनेट सचिव हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के अंदर जो PT उषा जी हैं उनको AAA के एथलीट आयोग का सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है, ठीक है, इसको कहते हैं एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन, ठीक है, इसका मुख्यालय जो है बैंकॉक के थाईलैंड में है और 2019 में जो है इनको बनाया गया है, ठीक है, ये तो ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद में ये निधन वाला जो पोर्शन है ये इसको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी विशेष चीज़ है नहीं। नेक्स्ट जो है आपको कुछ पुस्तकों के नाम हैं और देखिए ये दिवसों के बारे में भी दे रखा है, तो एक ही जगह पे आपको सारे दिवस के बारे में पता चल जाता है कौन सा दिवस कब आता है, और दिवस आपको याद करना ज़रूरी है क्योंकि इन पे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट जो आप देखिए
देखिए इसमें है समिति और आयोग, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। CSR, CSR होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत क्या होता है, जितनी भी कंपनियां हैं उनका एक अगर एक सीमा तक जो मुनाफा होता है, जैसे कि 500 करोड़ से अधिक या कुल कारोबार यानी कि टर्नओवर का 1000 करोड़ अगर उनका नेट प्रॉफिट होता है और नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ से अधिक होता है, तो ऐसी कंपनियों को जो है 2% अपनी आय का वो जो है शिक्षा के प्रचार प्रसार या गरीबी उन्मूलन या इस प्रकार से शिशु मातृ मृत्यु दर इनको कम करने के लिए जो है यानी सामाजिक कार्यों में खर्च करने के जो है उसके लिए इनको खर्च करना पड़ता है 2%। ठीक है, तो जो है अभी एक समिति गठित की गई थी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, जो कि इंजेति श्रीनिवास जी जो हैं उनके अध्यक्षता में जो है इसको गठित किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की है कि जिन कंपनियों का CSR राशि 50 लाख से कम है उन्हें CSR समिति गठित करने से छूट दी जानी चाहिए। इस समिति ने CSR नियमों का पालन न किए जाने को दीवानी अपराध घोषित करने की जो है वो घोषणा की है। पहले ये क्या था, क्रिमिनल अपराध था, अब इसको सिविल अपराध जो है उसको घोषित किया गया है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए ऑपरेशन और अभियान, फिट इंडिया अभियान। अभी 29 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है सभी को फिट रहने के लिए फिटनेस इंडिया कैंपेन जो है उसकी शुरुआत की है, तो इसके बारे में आप इस अभियान के बारे में जो है आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तीसरा देखिए भारत और अमेरिका के तटरक्षकों का संयुक्त अभ्यास है जो कि चेन्नई के अंदर हुआ है, तो इसका कोई नाम नहीं दे रखा है तो इसको आप ध्यान रखें। भारत की ओर से ICG शौर्य और ICG अभीक जहाज़ों और चेतक हेलीकॉप्टर तथा अमेरिका के स्ट्रेंटन शिप के जहाज से जुड़े एक विमान ने भाग लिया, तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां नाम नहीं दिया रहा होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देखिए GI टैग के बारे में हम कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हैं, अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मैंने GI टैग क्या होता है उसके बारे में पूरा अच्छे से बताया है, और किन किन चीज़ों को भी GI टैग दिया गया है, कितने समय तक ये होता है सब उसमें एक्सप्लेन किया है, तो इसको भी जो है हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद में देखिए ये आखिरी जो है आपके लिए नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मैं चाहूँगी कि इन प्रश्नों को आप स्वयं से हल करें, क्योंकि जितना भी हमने पहले पढ़ा है उन सभी से संबंधित ये प्रश्न है। एक तो ये नवीन वस्तुनिष्ठ प्रश्न इनको हल करें, और जो फर्स्ट पेज जो हमारा था मैगजीन का मासिक घटनाओं का सार संग्रह, अब जो है अब आप इस आखिरी में जो है इस पेज को पढ़ेंगे। अब जैसे ही आप इन सबको पढ़ेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और ये आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक संक्षिप्त में आपको पूरी मैगजीन जो है हमने बहुत डिटेल में जो है आपको पूरी मैगजीन को जो है पढ़ाया है। 3 पार्ट में यह मैगजीन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 पार्ट्स इसके बने हैं। इन पार्ट्स को आप ज़रूर से देखिए, समझिए, पढ़िए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए, और एक आपसे आग्रह है कि जब भी आप कोई वीडियो देखें तो उसको प्लीज़ से लाइक ज़रूर करें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि एक तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या कमेंट्स ज़्यादा आते हैं या फिर लाइक्स आते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये वीडियो जो है अच्छी रैंक पे है, जिससे कि और उसी तरीके के वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप जो है इस मैगज़ीन को ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी माध्यम से अगर आपको लेना है, तो आप ऑफलाइन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैंने इसको अपलोड किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस मैगज़ीन को अपने पास में रख सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर और समय आपके पास में है तो आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट्स भी इसके फॉर्मुलेट कर सकते हैं। एक आग्रह और है कि जितने भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो भी इसी मैगज़ीन को पढ़ें, और इंग्लिश में जो टर्म्स मैंने बोली हैं उनको आप उस तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए कोई भी अच्छी मैगज़ीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है RS पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मैगज़ीन काफ़ी अच्छी आती है, तो आप इसको जो है रेफ़र ज़रूर से करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तीनों वीडियोज़ आप ज़रूर से देखें, उसको मैं सेपरेट प्लेलिस्ट में जो है उसको कंपाइल कर दूंगी, तो आप उसको ज़रूर से देखें। कोई भी आपके कमेंट्स हो, क्रिटिसिज्म्स हो, उसको वो आपके लिए जो है कमेंट सेक्शन इनवाइटेड है, आप ज़रूर से अपना मैसेज ड्रॉप करें वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।